हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही स्पेशल चटनी बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी खाने में और बहुत ही नया तरीका से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े साइज़ का देसी टमाटर लेना है, जो कि बहुत ही खट्टा मीठा इसका टेस्ट आता है। इसको सबसे पहले साफ़ पानी से अच्छे से धो लेना है। दोस्तों, टमाटर की चटनी तो लोग बहुत बनाते हैं और बहुत खाते हैं, मगर आज मैं आपको ऐसा टमाटर का चटनी बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो कि आप 15 दिन, एक हफ्ते, एक महीना, जितना दिन चाहे आप इसे स्टोर करके रख सकते हो और खा सकते हो। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए किस तरीके से मैं टमाटर की चटनी को बनाती हूँ। टमाटर को मैं धो ली हूँ, अब इसको काट लूँगी। ये बहुत ही पका हुआ टमाटर ही आसानी से पूरा एकदम से गल जाएगा, तो ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे पीस से बड़े पीस इस तरीके से भी आप काट सकते हो। देखिए, जब आप टमाटर का सॉस खरीदते हो या फिर केचप खरीदते हो, तो उसका रेट कितना पड़ता है? 50 या फिर 60 रुपये या फिर 100 रुपये, जितना बड़ा साइज़ आप खरीदते हो। और टमाटर अभी इतना सस्ता मिल रहा है, 10 रुपये केजी। ये 10 रुपये का मैं टमाटर खरीदी हूँ और इसका मैं आपको सॉस बनाकर दिखाऊंगी, चटनी, जो बहुत ही टेस्टी घर में बनता है और बहुत ही फ्रेश रहता है घर का, हमारा हाथ का बना हुआ। तो आप भी घर में ही बनाएं, बाज़ार का खरीदा हुआ कम खाएँ। टमाटर का चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तेल को। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे सरसों को। दोस्तों, राई के दाना को देने के बाद तुरंत इसे ढक देना चाहिए, वरना ये सारा उड़ जाता है तेल में। दोस्तों, स्वाद अनुसार नमक डालना है। हल्दी, दो चार तेज पत्ता, देखिए दोस्तों कितना जल्दी ये पूरा एकदम से गल चुका है। देखिए, टमाटर, देसी टमाटर है ये, और कितना पानी छोड़ा है। अब इसमें हम डाल देंगे काजू, किशमिश। दोस्तों, इसमें डालेंगे 3 से 4 इलायची पाउडर को। देखिए, दरदरा कूटा हुआ इलायची बहुत ही अच्छा टमाटर के चटनी को टेस्ट बढ़ाता है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में हमारा टमाटर का चटनी। देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर का सारा पानी टन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी को। अगर 1 kg टमाटर है, तो इसमें 250 ग्राम चीनी को डालना है। देखिए, अब इसमें मैं और डालूँगी। इससे टमाटर बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम खट्टा और मीठा दोनों टेस्ट आता है, क्योंकि देसी टमाटर तो खट्टा होता है और चीनी डाल देने से मीठा बन जाता है। तो खट्टा और मीठा दोनों टेस्ट आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। अब इसमें हम डालेंगे नारियल को कस किया हुआ। देखिए, आप टमाटर की चटनी में जितना चाहो उतना सामग्री आप डाल सकते हो, जितना डालोगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ता है। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो इसमें जितना चीज़ आपको डालना है। देखिए, आप इस तरीके से टमाटर की चटनी को पका कर बनाओगे, तो आप बहुत दिन तक इसे स्टोर कर रख सकते हो, 15 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, जितना दिन चाहे आप इसे रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। और अगर आप पानी वाला टमाटर का चटनी बनाते हो, जिस तरीके से हम डेली यूज़ करते हैं, तो वो एक दिन हमारा चलता है, दूसरा दिन हमारा उसमें ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरीके से टमाटर का चटनी को बनाइए, एकदम पानी को मार कर, ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। टमाटर का चटनी हमारा उतरने का स्टेज पे आ जाता है, तब लास्ट में हम इसमें मिक्स मसाला को डालते हैं। दोस्तों, टमाटर का चटनी तो आपने बहुत बनाई होगी, बहुत खाई होगी, मगर इस तरीके से आप भी टमाटर का चटनी ज़रूर बनाइएगा और एक बार खा कर देखिए कितना स्वादिष्ट और कितना टेस्टी लगता है खाने में। तो हमारा टमाटर का चटनी बन चुका है, अब मैं इसे आपको नीचे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना ही स्वादिष्ट बना हमारा टमाटर का चटनी। आप इस चटनी को हफ्ते भर, महीने भर खा सकते हो, एकदम समोसे के साथ, रोटी के साथ, या फिर ब्रेड के साथ, जिसके साथ चाहे आप इसे केचप के रूप में उपयोग कर सकते हो, सॉस के रूप में उपयोग कर सकते हो, चटनी के रूप में उपयोग कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही फ्रेश हमारा घर का ताज़ा टमाटर का चटनी है, जो कि मात्र 10 रुपये में ये बन के तैयार हो चुका है। 10 रुपये केजी भी टमाटर चल रहा है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा रेसिपी।